शरद पवार विधायकों से ले रहे हैं शपथ पत्र, एफिडेविट भरवा रहे हैं शरद पवार। अब तक 16 विधायक शरद पवार के गुट में पहुंचे हैं, 4 एमपी 2 एमएलसी का भी शरद पवार को समर्थन है। अजीत पवार के खिलाफ गुस्से में है शरद पवार के समर्थक। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम सीधे वाईबी चौहान सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एफिडेविट भरते हुए शरद पवार के जो समर्थन में वहां पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद मौजूद है। तमाम लोग एफिडेविट भर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं शरद पवार को। आइए देखते हैं कि हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने वहां मौजूद तमाम लोगों से बातचीत की है और देखिए सुनिए कि किस तरह लोगों में अजीत पवार के प्रति गुस्सा है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के दोनों गुटों के बीच जहां संघर्ष जारी है, ऐसे में इस सत्ता संघर्ष में कौन से एमपी एमएलए किसके साथ में है उसे लेकर जो है अब एफिडेविट की साइन प्रोटेक्शन है वो शुरू हो चुका है। और दोनों जगह पर जो है एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजीत पवार जो है अपने अपने लोगों को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के वाईबी चौहान में, जहाँ पे शरद पवार जो है अपनी बातें रख रहे हैं और वहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए, उन्हीं से हम बात करेंगे कि अजीत पवार की अलग हो चुके हैं, आप किसके साथ हैं? हम जाहिर सी बात है शरद पवार साहब के साथ हैं, जिन्होंने पार्टी बनाया। जो बाप बाप ही होता है, भतीजे भतीजे अपने जगह चला गया, और कार्यकर्ता भी शरद पवार साहब के साथ है। ये जो विधायक की बात कह रहे हैं कि 40 विधायक हमारे साथ हैं, वो देखा जाएगा आगे किसके साथ कौन है। आज तो कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन कार्यकर्ता ने अपने स्टम्प पेपर में लिख के दिया, कुछ लोगों ने खून से भी लिखा है कि शरद पवार साहब हम मरते तो हम आपके साथ हैं। और एनसीपी कार्यकर्ता जमीनी स्तर के जो तालुका जिला के सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। हाँ, कुछ लोगों को रात को डराने का फोन करके कुछ लोगों ने काम किया है, लालच देने का काम किया है, मैं भी उसमें से हूँ। लेकिन हम लोग निष्ठावान लोग हैं, हम यहाँ पर आए वाईबी चौहान हॉल पे, क्योंकि राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है कि बहुत ही शरद पवार साहब ने बहुत मेहनत किया इस पार्टी के लिए, सुप्रिया ताई सोले मैडम मेहनत किया है, और हमारे जो लोग गए हैं जो हमारे थे वो सीधी ईडीआई के डर से गया है। जिस तरह आप देख सकते हो, सच बोलने का सजा नवाब मलिक साहब को दिया है, अभी तक जामीन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जो लोग हैं, ये हसन मुशरिफ साहब बोलो, तमाम लोग जिनके ऊपर केसेस था, देवेंद्र जी कहते थे कि मैं फवारा रहना पसंद करूंगा, एनसीपी के साथ सरकार में नहीं जाऊंगा, और आज मांडी से मांडी मिला के क्या मजबूरी है, नौ आमदार जाने के बाद उनको लेके, मतलब जो डिप्टी सीएम बनाया, मैं तो सोच रहा हूँ शिंदे साहब की कुर्सी को खतरा है। और शिंदे साहब के जो लोग हैं आपस में तालमेल उनका एक नहीं है, जब तालमेल एक नहीं है मंत्रालय के अंदर, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ये जनता के भला क्या करेंगे? और जनता के, महाराष्ट्र के जनता, किसानों की महंगाई और जो भी है आज के टाइम में, आप देख सकते हैं रोड पे कितने खड्डे हैं, पानी भर रहा है, इसका समस्या कैसे दूर करें? आपको नहीं लगता कि जब एक तरफ अजीत पवार यहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अभी तक फिलहाल कोई जानकारी मिल के आ रही है, वहाँ पे 20 से ज्यादा जो विधायक है वो उनके पास पहुंचे हैं, और शरद पवार जी के पास अभी तक सिर्फ 10 से 12 विधायक ही पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शरद पवार साहब ऐसा नेता है, उनके पास अगर तीन भी विधायक रहेगा तो भी पार्टी को लेकर चलने वाला है, अगर विधायक नहीं भी रहेगा तो शरद पवार है, शरद पवार की जगह कोई नहीं ले सकता है। हम सब कार्यकर्ता शरद पवार साहब के साथ है, जहां कार्यकर्ता है वहां पर पार्टी है, जहां पर जमीनी स्तर का जनता का मूड है वहां पार्टी है। आज जनता का मूड शरद पवार के साथ है, कार्यकर्ता का जो भी मूड है जनता शरद पवार के, सुप्रिया ताई के साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। उन्हें अपना काम करने दीजिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपये का कुछ घोटाला है, उसके अंदर अभी वो या तो झूठी वो बातें हो सकता है, या तो फिर बेदाग लोग है, यानी बेदाग अगर है तभी तो पार्टी में लिया है, उनको सत्ते में लिया है, अगर दागी है तो क्यों लिया है, ये सवाल है मेरा देश के प्राइम मिनिस्टर से। ये थे कार्यकर्ता जो लगातार बात कर रहे हैं कि वो शरद पवार के साथ में है, और एक तरफ दूसरी ओर जहाँ पे बैनर लगाए गए हैं और एकला चलो शरद पवार के भी साथ जो पोस्टर में दिखाई दे रहा है, और उसी के लिए अपने लोगों को एकजुट करते हुए शरद पवार यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई।